जब हम पेड़ पौधों से प्यार करना शुरू करते हैं ना, तो इन कीड़े मकोड़ों का प्यार हमें बोनस में मिल जाता है। इनसे हमें प्यार करना नहीं पड़ता, ये प्यार करने हमें खुद आ जाते हैं। पर साथ ही साथ कुछ जीव जंतु ऐसे भी आ जाते हैं जिनको देखने के बाद हमें डर लगता है, जैसे अपना गिरगिट हो गया, छिपकली हो गया, अपने चूहे हो गए। साथ ही साथ चींटियाँ भी हमें तंग करने में कतई बाज नहीं आती हैं। छिपकलियों से बहुत डर मुझे भी लगता है और आप में से बहुत सारे लोगों को भी लगता है। छिपकलियों और चूहों के बारे में न जाने कितने सवाल अभी तक आए। अभी हाल ही में एक जो कमेंट आया वो मैं दिखा रही हूँ, बाकी सब लोगों के नहीं ढूंढ पा रही हूँ, तो उन लोगों से माफ़ी चाहूँगी। यहाँ पर फ़िलहाल 2-3 दिन पहले मेरी कविता बहन का देखिए जो एक डर जाहिर हुआ था, तो आज देखती हूँ कि इस डर का कोई इलाज है क्या, किन जीव जंतुओं से दोस्ती करें कि इनको दूर भगाएं, जानते हैं। नमस्कार, बेस्टी बेस्टी पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत। आज मेरी छोटी सी कोशिश के साथ शुरुआत करेंगे अपने प्यार के साथ। ये देखिए छोटा सा लेडी बग। तो इस तरह के कीड़े मकोड़ों से प्यार करिए। मुझे तो पत्तों में चढ़ा मिल जाता है, तो मैं उंगली में चढ़ा लेती हूँ, मुझे बहुत खूबसूरत लगता है ये लेडी बग। अब शुरुआत करते हैं हम लोग छिपकलियों से। छिपकलियों से मुझे भी बहुत डर लगता था कुछ सालों पहले तक, पर अब तो ये दिनचर्या का हिस्सा हो गई है। बालकनी में जाते ही सबसे पहले नज़र पड़ती है छिपकलियों के ऊपर, सोचा कुछ एक दिखाऊं। तो देखिए एक यहाँ पर स्प्रिंकलर के ऊपर छिपकी दिख गई है ना, एक इधर देखिए पाइप के ऊपर है ना। अब इन छिपकलियों से अगर मैं सच बताऊं तो 5 साल पहले मेरी ये हालत थी कि अगर कमरे के अंदर एक छिपकली दिख गई तो मैं रात भर सो नहीं पाती थी। पर अब एक या सैकड़ों मेरे गार्डन में घूमती है, पर मुझे डर नहीं लगता क्योंकि अब इनसे दोस्ती हो गई है। दोस्ती इसलिए हो गई है क्योंकि सोचने का नज़रिया बदल गया है। अब ये दुश्मन नहीं, दोस्त नज़र आती हैं। बहुत सारे हमारे गार्डन के छोटे मोटे कीड़े मकोड़े ये खाती हैं, तो हमारे पौधों से बहुत सारे मिली बग्स एफिड्स अपने आप हट जाते हैं। हो गई ना हमारी परम मित्र। अब चलते हैं चींटियों की तरफ। चींटियाँ भी आप लोगों को लगता है बहुत परेशान करती हैं, पर मुझे लगता है चींटियाँ कतई परेशान नहीं करती। हम बरसात के दिनों में कई बार हमारे गमले में दिख जाती हैं, मिट्टी में दिख जाती हैं। अगर आपको लगता है तो आपको बहुत ज़्यादा दिखे, चूँकि कॉलोनीज में रहती हैं चींटियाँ तो झुंड का झुंड दिखती हैं। आप एक चम्मच हल्दी बुरक दीजिए, आपकी चींटियाँ कुछ मिनटों में ही भाग जाएंगी। इक्का दुक्का जो दिखती भी हैं तो आप इनको मित्र की तरह देखिए, ये भी बहुत सारा सहयोग करती हैं। आपको ये चींटियाँ बता देंगी कि आपके किन पौधों में मिलीबग लगा है। डिटेल वीडियो मैंने पहले ही शेयर किया, आपको ज़रूरत है तो देख लीजिएगा। तीसरे नंबर पर बात करते हैं हम लोग टर्माइट्स की, यानी कि दीमक। दीमक जो हमारे गमलों में पौधे होते हैं उनमें ना के बराबर मैंने फ़िलहाल 5 साल की जर्नी में नहीं देखा। जो नीचे हमारे बहुत बड़े बड़े बहुत सालों पुराने पेड़ होते हैं वहाँ पर कई बार दीमक देखने को मिल जाता है। जिनका नीचे का गार्डन है उनकी अक्सर समस्या हो जाती है, पर फ़िलहाल मेरी दीमक की कोई समस्या नहीं आई है, इसलिए उपचार मैं आपको कोई भी सजेस्ट नहीं कर पाऊँगी। आपकी समस्या है तो दीमक का उपचार आप अपने तरीके से देख लीजिएगा। अब मिलते हैं अपने इन मूषक राज से। पेड़ पौधे होंगे तो ये मेरे फर्स्ट फ्लोर की बालकनी तक चढ़े या चले आते हैं, तो गार्डन जो अपना नीचे का है वहाँ पर तो इनका स्वाभाविक है। मैं तो अपना देसी इलाज करती हूँ, चूहा दानी लगा के रखती हूँ, जब चूहा फंस जाता है तो इनको पार्क में छुड़वा देती हूँ। बाकी इन बड़े बड़े चूहों का मुझे नहीं लगता कोई इलाज है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और ये हो गए अपने मिलीबग्स एफिड्स, और ये मुझे लगता है कि हर गार्डनर वाकिफ़ होगा अपने इन कीड़े मकोड़ों से। एक बार अगर जड़ें जमा ली ना तो कई बार ये पौधों को ख़त्म भी कर देते हैं, तो इनको हमें बचाना नहीं है, इनको हमें हर हाल में ख़त्म करना होता है पौधों से। बहुत ज़्यादा अटैक है तो आप वो डंठल तोड़ के फेंक दीजिए, वो पत्ता तोड़ के फेंक दीजिए, और न जाने कितने सारे 50 उपाय जो मैंने बताए, तो यहाँ पर सारे उपाय बताना संभव नहीं है। तो ऊपर मैं आपको लिंक दे रही हूँ, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, और उस प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज आपको मिलेंगे। आप अपने मन मुताबिक अपनी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर ये जो लिंक दिखा इसी को क्लिक करिए, आपके सामने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट खुली होगी। कभी कभार हमें अपने गार्डन में एक ग्रास
हॉपर भी देखने को मिलता है। अगर गार्डन में आ गया तो बहुत तेज़ी के साथ पत्तों को खाना शुरू करता है, तो जो पीछे आपने प्लेलिस्ट देखी उनमें से कोई भी अपना कीटनाशक आप इनके ऊपर भी छिड़क के भगा सकते हैं। अब यहाँ पर इस तरीके के भी आपको कीड़े मकोड़े देखने को मिलेंगे, इनको हम लोग बोलते हैं ककून्स। तितली का, बटरफ्लाई का अंडा भी आप कह सकते हैं। अगर आप तितलियाँ बनना देखना चाहते हैं तो पलने दीजिए, हमारे करी प्लांट में, हमारे नींबू के प्लांट में बहुत ज़्यादा ये हो जाते हैं कई बार। और अगर नहीं तितलियाँ बनना देखना चाहते तो पत्तों समेत कहीं दूर फेंक सकते हैं। अब मिलिए अपने गार्डन के एक बहुत ख़तरनाक प्राणी से, और इसको हम लोग बोलते हैं सेंटीपीड, हिंदी में बोलते हैं कान खजूरा। बहुत ख़तरनाक होता है, इससे पंगे मत लीजिएगा। अक्सर सीलन वाली जगहों में ये देखने को मिल जाता है, सालों साल ये नज़र आ जाता है। जहाँ पर हमारी कंपोस्ट बन रही होती है वहाँ पर कई बार सीलन में मिल जाते हैं, कभी कभार गमले के नीचे सीलन में मिल जाते हैं। तो ये जब भी आपको देखें तो इनको दूर भगाने का प्रयास करिए, ख़तरनाक होते हैं, तो इनसे हमें दूरी बना के रखनी है, ये हमारे मित्र नहीं हैं। इसी की एक छोटी वैरायटी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मिलीपेड्स, गांव देहात में इसको बोलते थे घिनौरी। बरसात के मौसम में झुंड का झुंड निकलती है, पर शहरों में ये ज़्यादातर देखने को नहीं मिलती हैं। दो तीन साल पहले मैंने एक बार देखा था, नर्सरी से किसी पौधे में कुछ आ गई थी और उनको फिर मैंने चुन चुन के बाहर फेंक दिया तो उनसे मुक्ति मिल गई थी। चलिए भाई आगे मिलवाती हूँ आपको मकड़ी से। मकड़ी भी जब भी आपके गार्डन में होती है तो आप परेशान हो जाते हैं, और मकड़ी को लेकर भी कई बार सवाल पूछा गया कि गार्डन में मकड़ी हो गई है क्या करें। तो यहाँ पर आपको फिर से मैं रिपीट करूँगी कि मकड़ी आपकी बहुत अच्छी दोस्त है। ये देखिए पत्तों पर कई बार जो आपके बग्स होते हैं, एफिड्स होते हैं, उनको खा लेती है, और ये जो मकड़ी का जाल होता है ना, तो उस जाल में बहुत सारे उन कीड़े मकोड़ों को फंसाती है जो आपके पौधों के लिए नुकसानदायक होते हैं, तो इनको मत भगाइए। चलिए भाई आगे मिलते हैं अपने नाक देवता से, स्नेक्स। स्नेक्स जनरली तो ऐसे नहीं आते हैं, जब हमारी ऊपर छत का गार्डन होता है, बालकनी में फर्स्ट फ्लोर या सेकेंड फ्लोर, तो हमें इनसे डरने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये ज़्यादातर हमारे ग्राउंड वाले गार्डन में आ जाते हैं। ग्राउंड वाले गार्डन का बस यही एक सबसे बड़ा नुकसान होता है कि ग्राउंड में सांप बहुत आसानी से आ जाते हैं। अब इन सांपों से बचने का मेरे पास तो फ़िलहाल कोई रास्ता नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि किसी के पास होगा। तो इनका तो बस एक ही उपचार है कि अगर आपका ग्राउंड का गार्डन है तो स्पेशली बरसात के मौसम में बहुत सावधानी पूर्वक अपने गार्डन में काम करिए, और जाली वाला दरवाज़ा हमेशा बंद करके रखिए। मेरा तो फर्स्ट फ्लोर का है, फिर भी मुझे बरसात के मौसम में बहुत डर लगता है। जितनी देर बालकनी में काम किया हमेशा मैं अपना जाली वाला दरवाज़ा बंद करके रखती हूँ। बस अपने दिमाग में ये रखिए कि हर कीड़ा, हर मकोड़ा, हर जीव, हर जंतु ज़रूरी नहीं है कि आपका दुश्मन हो और आप उसको मारने के उपाय ढूंढते रहें। कुछ एक कीड़े मकोड़े आपके बहुत अच्छे मित्र हो सकते हैं, है ना। जिन एफिड्स और मिली बग्स को आप भगाने के बहुत सारे उपाय ढूंढ रहे थे, तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े आपके उन मिली बग्स को खा जाते हैं, तो आपकी सीधे सीधे मदद करते हैं ये कीड़े मकोड़े। तो हर कीड़े मकोड़ों से डरने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ आपके शत्रु हो सकते हैं पर बहुत सारे मित्र हो सकते हैं, तो थोड़ा सा प्यार इनकी तरफ भी छलकाइए। इनको भी धरती पर रहने का हक है, एक फूड चेन बनी होती है, कोई किसी को खाता है, कोई किसी को खाता है, और इसी तरीके से इनका भी जीवन यापन होता है। तो वो अपना काम कर रहे हैं, हम लोग करते हैं अपना काम। चलिए भाई मेरा काम होता है ख़त्म, आपका होता है शुरू, और आपका काम ये है कि सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, सभी अपने उन लोगों को शेयर करना है जो आपकी तरह डरते हैं, और उनको समझाना है कि डर के आगे जीत है, तो जीत की तरफ बढ़िए, डर को भगाइए। हमारे परिवार से जुड़ना चाहते हैं तो बेल आइकन दबाइए और इंतज़ार करिए अगले वीडियो का। धन्यवाद।